हूँ फ्रेंड्स, मेरे खास दोस्तों के लिए एक और ख़ास वीडियो के साथ मैं हूँ सहरीश और आप देख रहे हैं लाइव कर की। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वजह से आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को पुश कर दे, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं टीवी स्टिक के साथ आप लोगों को बता रही हूँ कि टीवी स्टिक के साथ आप किस तरह से मेकअप जो है वो कर सकती हैं। यहाँ पे मेरे पास दो दो टीवी स्टिक्स हैं, ये है क्रेयॉन की टीवी स्टिक और ये है मेरे पास क्रिस्टाइन की। आज आपको टीवी स्टिक के साथ बताऊंगी कि आप किस तरह से मेकअप करके इसको अच्छी तरह से निचोड़ के फिर मैंने इसके साथ इसको इस तरह से ओके। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने इसके अंदर से, पहले भी मैं इसी तरह, क्योंकि ये मेरा ख़त्म हो गया, तो इस तरह से मैंने इसको, ये थोड़ा डार्क शेड है तो इसको मुझे मिक्सअप करके लगाना है। पहले मैं इसको डार्क को लगा लेती हूँ अपने फेस के ऊपर, उसके बाद दूसरे वाले को भी अप्लाई करूँगी। ओके, डार्क वाला शेड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आँखों के नीचे जो है वो मैं लाइट वाला यूज़ कर रही हूँ जो मुझे चाहिए। आज आपको टीवी स्टिक के साथ बताऊंगी कि आप किस तरह से मेकअप कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसके साथ मेकअप करना। अच्छा, लोगों को बहुत मुश्किल लगता है इसके साथ मेकअप करना, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फटाफट से इसको मैं ज़रा करती हूँ। और मैंने इसको किसके साथ करना है, मैंने इसको पानी के साथ डिप करके इसको अच्छी तरह से निचोड़ के फिर मैंने इसके साथ इसको इस तरह से ओके। ये देखिए, वन साइड मैं कर चुकी हूँ, दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैं करती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से थोड़ा थोड़ा जो है मैं बीच में स्किप करूँगी, लेकिन वीडियो को आपने लास्ट तक देखना। बहुत ही अच्छी लुक आज मेरी आने वाली है। नेक्स्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे पेनकेक यूज़ कर रही हूँ, रिवाज का पेनकेक है मेरे पास, इसका नंबर है नंबर 3। तो यहाँ पे मुझे इसको भी गीला करके, क्योंकि मैं वाटरप्रूफ मेकअप कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे अच्छी तरह से स्पंज को गीला करके, जिस स्पंज के साथ मैंने पहले लगाया है पेन के टीवी स्टिक लगाया है, उसी के साथ मैं इसको अच्छी तरह से गीला करूँगी। और इसको प्रॉपर मैंने निचोड़ा नहीं है, देखिए इसके अंदर से पानी जो है इतना, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल के इस पेनकेक के ऊपर इसको टैप टैप करके अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से लगा रही हूँ, गीला कर रही हूँ। इस वजह से क्या करें, ये मेरा पहले ही मैं गीला मेकअप कर रही हूँ, तो ये वाटरप्रूफ मेरा मेकअप होगा, प्योर वाटरप्रूफ मेरा मेकअप होगा, ये सारे का सारा ओवरऑल मेकअप जो है वो वाटरप्रूफ होगा, ताकि आप लोगों को मतलब अभी बारिश का महीना है तो आप ये वाला मेकअप करके बाहर निकल सकते हैं, ताकि आपका मेकअप जो है वो वॉश ना हो, बिल्कुल आंखों के ऊपर नीचे अच्छी तरह से इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास मेबेलिन का ये है हाइलाइटर है, मुझे इसको पूरे फेस के ऊपर इस तरह से अप्लाई करना है। ये ज़रा सा पिंकी शेड और मतलब लाइट सा है, तो मुझे अच्छी तरह से इसको अपने पूरे फेस के ऊपर जो है मुझे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। लोरियल का काजल है तो उसको अपनी आईज़ के अंदर मैं ब्राउनी शेड ले रही हूँ और अपनी आईज़ को मेरे पास मिस रोज की लिपस्टिक है रेड वाली, तो मैं इसको आईज के कॉर्नर पे लगा रही हूँ। और अब इसको अच्छे तरह से
दोनों तरफ मेरे रेड शेड जो है वो प्रॉपर लगा लिया, और अब मुझे येलो शेड नहीं उठाना, मुझे यहाँ से ये शेड उठाना है और मुझे आँख के अपने कॉर्नर के ऊपर, इनर कॉर्नर के ऊपर इसको अच्छी तरह से इस तरह से अप्लाई करना है। मुझे रेड और ब्राउन शेड के साथ अपनी आईज के नीचे जो है ब्लेंडिंग कर लेनी है। मेरे पास ये ग्लिटर आईलाइनर है, तो मुझे अपनी आँख के, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे इस तरह से अपनी आँख पे मेबलिन का, मेरे पास यहाँ पे हाइलाइटर है, तो मेबलिन का हाइलाइटर जो है वो अपने आईज़ के स्टार्टिंग में मैं उसको लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगा रही, जस्ट लाइट सा लगा रही हूँ। मेबलिन का मेरे पास यहाँ पे हाइलाइटर है, तो मेबलिन का हाइलाइटर जो है वो अपने आईज़ के स्टार्टिंग में मैं उसको लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगा रही, जस्ट लाइट सा लगा रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे एसेंस का मेरे पास ब्रश है, और यहाँ पे ग्लैमर टच की मेरे पास आई शेडो है, तो यहाँ से मुझे लाइट से बिल्कुल जो है शेड उसको उठाना है। फेस की कंट्रोल करनी है, क्योंकि मेरा फेस जो है वो थोड़ा, जब भी चीज़ है मेरे, तो मुझे कंट्रोल किट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, कंट्रोल किट की यूज़ की है, ठीक है। इसका जो डार्क वाला शेड है, यहाँ से मैं इसको बस कंट्रोल, इससे आगे मत करें क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। फॉरहेड से जब आप करने लगे तो इसको किसो नेक्स्ट मुझे क्या करना है। ओके, मुझे अपने नोज़ की कंट्रोलिंग करनी है। उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे हाइलाइटर यहाँ पे चाहिए, और मैं ये रिवाज का हाइलाइटर जो है वो यूज़ कर रही हूँ, रिवाज का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपनी। नोज़ की कंट्रोल के लिए नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, यही वाला मैं ब्रश यूज़ करूँगी, यही कंट्रोल किट यूज़ करूँगी, और इसको जितना चाहें आप अपने ब्रॉड नोज़ को कंट्रोल के साथ कम कर सकते हैं। अगर आपको कंट्रोल में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो मेरे चैनल पे आप, मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने कंट्रोलिंग अपने फेस की सिखाई हुई है आपको, आप उस पर देख सकते हैं। जितना मर्ज़ी आपका ब्रॉड नोज़ हो, आप उसको कंट्रोल के ज़रिए ब्रीक कर सकते हैं।
तो ये देखें जी, मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मैंने अपने नोज़ की कंट्रोल जो है वो कर ली है। ओके, यहाँ पे मेरे पास लिप पेंसिल है हुदा ब्यूटी की, तो हुदा ब्यूटी की लिप पेंसिल मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगाने के लिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास मिस लोज़ी की लिपस्टिक है, ये एक तरह से लिपस्टिक है, दूसरी तरफ से आपके पास आउटलाइन पेंसिल है, जैसे लिप पेंसिल होती है, ठीक है। लिप पेंसिल मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे लिप्स की शेप जो है मैं थोड़ा सा ऊपर से बढ़ाती हूँ, थोड़ा सा नीचे से बढ़ाती हूँ, जिस तरह से आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि मेरे लिप्स काफ़ी पतले हैं तो मुझे थोड़ा उनको मोटा करना होता है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी इसको बढ़ाती हूँ। अब दूसरी साइड से ये लिपस्टिक है, तो लिपस्टिक मैं है यहाँ से इसको ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर हल्का सा मेरे पास टीवी पॉलर का मस्कारा है, वो ये दो कलर के हैं, एक वाटर प्रूफ है, एक वाटर प्रूफ नहीं है, ये मेरे पास वाटर प्रूफ है, ठीक है। सारे का सारा मेकअप जो है वो आज आपको मैंने बताया है, ये सब का सब वाटर प्रूफ है। मैं फेक लैश जो है वो कम यूज़ करती हूँ, इस वजह से मेरी अपनी लैश जो है वो काफ़ी अच्छी है। मैं बहुत ही जल्दी मैं अपनी लैश की किस तरह से केयर करती हूँ एक अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपनी लैश की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ और मेरी लैश बहुत अच्छी हैं। चीज़ को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव आर्मी वीडियो थी, बहुत ही अच्छा मैंने ब्रांड जो है सभी अच्छे ब्रांड ने यूज़ किया है, बिल्कुल वाटरप्रूफ मेकअप किया है, इसके ऊपर जो है बारिश डाले पानी डालेगी मेकअप मेल्ट नहीं होने वाला है और बहुत लॉन्ग टाइम तक ये मेकअप जो है वो रुकने वाला है। बहुत ही सॉफ्ट मैंने आज मेकअप किया है क्योंकि मेरी लुक जो है वो आप देख सकते हैं, मैंने रेड और येलो कलर का ड्रेस जो है वो आज किया हुआ था और मैं बहुत अच्छी आज मैं शॉपिंग करने के लिए भी जा रही थी तो मैंने ये वाली लुक अपने आप को दी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज लोगों को मेरा ये गेटअप जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।